एक व्याख्या कर रहे हैं जो हर एक स्टूडेंट के लिए जिन्होंने हिंदी रखा। अधिकांश कवियों में आता है कि सूरदास पे लिखे, सूरदास के जीवनी लिखे, कालिदास के लिखे, गोस्वामी तुलसीदास के लिखो, सभी ने सभी को लेकर चले। रसखान यहाँ तक है, रसखान भी अपने अपने चूज के, लेकिन सूरदास जो है इन्होंने कृष्ण जी को ही लेकर के चले। उन्होंने उसका कहना है, उन्होंने कहा कृष्ण जी को ही सपोर्ट किया कि जो भी है कृष्ण के, अगर कि जो भी कृष्ण का लीला करे, कृष्ण को लेकर चले तो उसका बेड़ा पार है। और उन्होंने सूरदास जी ने, सूरदास पहले से सूरदास नहीं है, वो जो है वो पहले से सूरदास नहीं है, उसके पास भी पूर्ण रूप से आँख था, नेत्र था, हर एक चीज, हर एक दृष्टि, हर एक उद्दीपना, हर एक उद्दीपन को वह देख सकता था। बट एक लीला में गया जिनको सम्यक दृष्टि से, वह किसी भी इंसान है तो उसका नैतिक इच्छा है तो उसका ध्यान भटक ही जाता है। सूरदास जी ने एक बगल के लीला में, लीला हो रहा था, रासलीला हो रहा था, वहाँ गोपियाँ सो, गोपियाँ सब मिल करके सारे नर्तकी कर रही थी, लेकिन सूरदास को कितनों ध्यान केंद्रित कर रहा था बट सूरदास का ध्यान उस पर चल ही जाता था। सूरदास अपने को किसी भी तरह से संभालना चाह रहा था लेकिन सूरदास से संभलता ही नहीं था, उसका ध्यान इधर वो गोपियाँ लोग पे चले जाती थी, ध्यान सूरदास जी का। उन्होंने एक छुरा लेकर के कहा, नहीं रहेगा बांस और नहीं बाजेगा बांसुरी। उन्होंने अपना छुरा लेकर के, वही एक कवि है जिन्होंने अपना दृष्टि को नेक रिश्ता पे, सीधे रास्ते पे, रिसर्च करने पे, खुद को ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने खुद एक दो छुरा लेकर के दोनों आँखों में उन्होंने भोंक ली, विषय ली, और उस तभी से सूरदास को सूरदास के नाम से सभी पूरा संसार में, विश्व में प्रचलित हुआ सूरदास के नाम से। सूरदास का उसके बाद सम्यक दृष्टि जो था वह पूर्ण रूप से सीधा मार्ग पे वो चलने लगा। उसका दृष्टि कहीं भी भंगट नहीं, किसी को भंगटाने से, किसी भी उत्तेजना, किसी भी उद्दीपन को देख करके उसका दृष्टि नहीं भंगटता था। सूरदास जी ने कृष्ण को लेकर चला, कृष्ण के बचपन लीला पर भी उन्होंने कई फोकस डाला। कृष्ण जब माखन चोर कहलाया, कृष्ण को, कृष्ण के बाल लीला पे भी बचपन किया, किसी कृष्ण का भाई बलराम उस पर भी उन्होंने व्याख्या किया। सूरदास जी ने पूर्ण रूप से मतलब कृष्ण को ही लेके चला, कृष्ण के व्याख्या किया। सूरदास जी अपने कई पद को लिखा, सूर सागर लिखा, कई पद में श्रेष्ठ माना गया सूरदास। लेकिन सूरदास जो सिर्फ बाल लीला कृष्ण का बचपन भी किया, कृष्ण के वियोग में निरंजना और उसके कई गोपियाँ था जिन्होंने, निरंजना को श्राप मिला और उसका गोपियाँ जो थी कई, उसके बीच में एक रोज ऐसा हुआ कि बराबर कृष्ण परेशान करता था सारे गोपियाँ को, नदी के किनारे चले जाते थे, तालाब पे सारे गोपियाँ स्नान करती थी, कभी कृष्ण उसके कपड़े चोरी करते थे तो कभी माखन चोरी करते थे, अपने माँ को परेशान करते थे। ये सब लीला देख करके उसकी माँ को भी काफ़ी आनंद आता था, ये तो कृष्ण का ही लीला है। कृष्ण पे कई हजार गोपियाँ मरती थी लेकिन कृष्ण का ही बचपन का लीला ही ऐसा है कि सारे के सारे कृष्ण पे फिदा हो जाती थी। कृष्ण का लीला ही कुछ ऐसा था। लेकिन निरंजना को भी और गोपियाँ, निरंजना को भी श्राप मिला कि जब तुम इसके त्याग में, जब तुम नहीं इसके साथ माँ में खेलने के लिए देती है तो तुम भी, उसको ऐसा श्राप दिया कि वह भी कहा तुम कई वर्षों तक कृष्ण से नहीं मिल सकती हैं। उसका श्राप ही ऐसा हुआ कि उसका श्राप कृष्ण को ऐसा ही लग गया और वह निरंजना मिलने के लिए उससे कृष्ण से व्याकुल रही, तब तक ऐसा ही व्याकुल रही। कृष्ण का बाल लीला पर फोकस डाला सूरदास जी ने, सिर्फ कृष्ण को ही लेकर के चला। सूरदास शुरू से ही, मैंने आप लोग को बता दिया है कि सूरदास का मुख्य बातें हैं कि वह सम्यक दृष्टि को पाने के लिए अपना आँख तक को भी अपने खुद से फोड़ डाला। कोई भी ऐसा कवि नहीं है जो अपना सम्यक दृष्टि को, सही दृष्टि करने के लिए अपना खुद के आँख को अंधा कर दें। ऐसा ही सूरदास ही एक ऐसा कवि है जिन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह अपने आँख तक को फोड़ डाला, तब जाकर के उसे सूझ मिला और सम्यक दृष्टि मिला। इस दृष्टि से उसका ध्यान कहीं नहीं भंगता, उसका पांचों सांस ऑर्गन जो है जिसको हम ज्ञान इंद्रियां कहते हैं।